ओम शांति। आज बाबा के 22 सितंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आपने कल अवश्य पुरुषार्थ किया होगा, अपनी वाणी पर संयम रखा होगा। प्यार के सागर के बच्चे हैं, प्यार की ही बरसात करनी है, हर कार्य प्यार से करना है। जिन्होंने भी अटेंशन रखा, स्व पुरुषार्थ से स्वयं में परिवर्तन लाया, उन्हें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति अवश्य हुई होगी। प्रतिदिन हमें अपने आप को बदलते जाना है। अपने पास एक डायरी बनाएंगे, स्व परिवर्तन डायरी। मैंने स्वयं में क्या क्या बदलाव लाया, छोटे छोटे बदलाव लाने से मुझे कैसा अनुभव हुआ। छोटा सा बदलाव हमें अतीन्द्रिय सुख देता है, खुशी देता है। आज के महावाक्यों में बाबा ने हमारा अंत समय कैसा होना चाहिए, जब हम जाएं तो हमें अंत में एक बाबा याद रहे, स्मरण रहे। अंत में बाबा तब याद आएगा जब हमने बहुत काल का पुरुषार्थ किया होगा। अगर बहुत काल का अभ्यास है तो अंत में बाबा की याद बनी रहेगी। अंत मते सोगते कहा जाता है। साथ साथ बाबा ने ये पक्का कराया कि आपको अब किसी को भी दुख नहीं देना, बल्कि याद में कल्याण समाया है। अब हम सुनेंगे एकाग्र होके। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है जब तक हम पावन नहीं बने तब तक बाबा को याद करते रहेंगे, एक बाबा को ही प्यार करेंगे। प्रतिज्ञा कौन सी है? जब तक हम पावन नहीं बने तब तक बाबा को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। क्वेश्चन है, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? जो समझदार बच्चे हैं समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? अंत में जब शरीर छूटे तो बस बाबा याद रहे। अगर कुछ भी याद आता है तो बाबा कहते बुद्धि भटक जाएगी, और कुछ भी याद ना आए, ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर घर जाना है। इसके लिए पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। पुरानी खाल मतलब पुराने शरीर से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। खुशी होनी चाहिए कि हम जा रहे हैं बाबा के पास। सरल शब्दों में, जो बाबा के समझदार बच्चे हैं वो अपनी तैयारी करते रहेंगे देह से डिटैच होने की। अभी अभी शरीर में है, अभी अभी देह से डिटैच हो गए। इस न्यारी अवस्था के अभ्यास से हम कर्मातीत बन जाएंगे, पावन बनकर घर चले जाएंगे। पुरानी खाल से माना पुराने शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे। गीता, ना वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन समझा रहे हैं? स्वयं शिव बाबा हमें समझा रहे हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं, अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुंचे आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वो जल जाएंगे। बहुत ही स्पष्ट बात, बाबा की याद से हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो भस्म हो जाते हैं, विकर्म विनाश हो जाते हैं। द्वापर कलयुग में 2 युगों तक जो भी पाप हुए वो याद से ही भस्म होंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है, और कोई उपाय नहीं। पतित पावन श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता, वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का सतगुरु है। बाबा ही जगत का बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान बाप देते हैं। ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना
असंभव। पतित पावन बाप की याद से सदगति होती है। तुम उनके बच्चे बने हो, तुम सीख रहे हो जगत को पावन कैसे बनाए। ये जगत पावन कैसे बने, शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, ये भी लिखवाना है। डीटी सार्वेंटी, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सोव्य भी कल्प के संगम युगे क्लियर लिखना है ताकि मनुष्य समझ सकें। और दूसरी बात, बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय लिखना है। बाबा कहते पूरा नाम लिखना है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हम सब ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमारी कुमारियां हैं, लेकिन सेवा केंद्र का कार्यभार संभालने के लिए निमित्त बहनों को दिया जाता है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी शब्द आता है। आने वाले सभी होते हैं, भाई भी और बहने भी। बाबा कहते पूरा नाम लिखना चाहिए। जानते हो, पत्थर जैसे विश्व को पावन, पारस एक बाप बनाएंगे। इस समय एक भी पावन नहीं है, सब एक दो में लड़ते झगड़ते गालियां देते रहते हैं। अभी तो एक भी पावन नहीं है, आपस में सब लड़ते झगड़ते हैं, गालियां देते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार। अवतार किसको कहा जाता समझते नहीं। अवतार तो होता ही है एक का, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। बाबा ही आते हैं ब्रह्मा तन में, अवतरित होते हैं, हम सबको पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं, परंतु ज्ञान का सागर, वो तो ज्ञान सागर ही देंगे। ज्ञान सागर ही तो ज्ञान देंगे ना, शरीर चाहिए। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। गृहस्थ व्यवहार में पवित्र बनना ये बहादुरी का काम है। घर गृहस्थ में रहते पावन बनना, बाबा कहते बहुत बड़ी बहादुरी है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, ये भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वो तुम करते हो। बाप श्रीमत देते हैं कि तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ऊंच पद पाएंगे। ये श्रीमत सिवाय परमात्मा के कोई नहीं देता। सन्यासी तो सोचते हैं कि घर बार छोड़ के ही पावन बन सकते हैं। बाबा कहते नहीं, घर गृहस्थ में रहते ये हिम्मत करके दिखाओ, पावन बन के दिखाओ, तब ऊंच पद मिलेगा, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। यह नर से नारायण बनने की पाठशाला, ये पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं, इसलिए लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्व विद्यालय, अर्थात ये सारे यूनिवर्स की आत्माओं के लिए है। ये तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी ही जानते हैं हम विश्व के मालिक थे। क्या जानते हैं भारतवासी, हम ही विश्व के मालिक थे, हमें फिर से बनना है। ये मन मनाभव का अर्थ भी समझाना है। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर बात का रिस्पॉन्ड अच्छी रीति देते हैं। तकदीर में उच्च पद नहीं तो टीचर क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं कि आशीर्वाद दे देंगे। अपने को देखना है मैं कैसी सेवा करता हूं। यहाँ पे बाबा कहते आशीर्वाद की कामना मत करो, अच्छी रीति पढ़ो। अपने आप अच्छी रीति पढ़ना ये खुद ही खुद पे आशीर्वाद करना है। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता ज्ञानदाता कौन, ये चित्र मुख्य है। भगवान है निराकार, वो ब्रह्मा के शरीर बिगर सुना नहीं सकते, वो आते ब्रह्मा के तन से ज्ञान देने के लिए। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं, बायोग्राफी चाहिए, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ, इस पर भी कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं ना, कहीं कहीं ब्रह्मा जी को 100 भुजाएं, कहीं 1000 भुजाएं दिखाई है। बाबा कहते जो भुजा ये सहयोग की निशानी है, ब्रह्मा अकेला नहीं है, स्थापना के कार्य में बच्चे भी मददगार हैं, तो हम सब बाबा की भुजाएं हैं। यहां आते पवित्र बनने, जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती माँ में कम याद करो, बाबा की श्रीमत क्या है, माँ में कम, केवल एक मुझे याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें, कहीं को पता ही नहीं कि याद में करना क्या है, योग कैसे लगाना है। जब हम याद में बैठते हैं अपने आत्मिक स्वरूप में टिके,
मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। बाबा के गुणों का चिंतन करें, बाबा से शक्तियाँ लेकर स्वयं में भरें, पूरे संसार को दें, स्वयं शांति शक्ति सब गुणों से भरपूर बने। बाबा का शुक्रिया करें, सारे विश्व को भी सकाश दें, ऐसे बाबा की याद में उनके गुणों को, कर्तव्यों को, उपस्थिति को अनुभव करना होता है। बाबा कहते कई बच्चों को तो पता ही नहीं कि याद में क्या करना है। बाबा का बनकर और विकर्मा जीत ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे, वो क्या पद पाएंगे। याद ही नहीं करते हैं तो पाप नहीं कटेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे, वो क्या पद पाएंगे। भले सरेंडर है परंतु उससे क्या फायदा। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को ना बनाए तब तक ऊंच पद नहीं पा सकते। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को पुण्य आत्मा नहीं बनाया तब तक ऊंच पद नहीं पा सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे, कम याद करेंगे तो कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं कि हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए डबल सरताज बनेंगे, नहीं। पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुत समझने योग्य बात है। डबल ताजधारी बनना है तो अच्छा पुरुषार्थ करना है। कोई सोचे मैं तो समर्पित हूं फिर पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे, पुण्य आत्मा बना नहीं रहे, तो बाबा कहते ये मत सोच लेना कि आप डबल ताजधारी बन जाएंगे, नहीं। उसके लिए तो पुरुषार्थ करना होगा। पहले पहले दास दासियां बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को अहंकार रहता है कि मैं तो सरेंडर हूं। अरे याद के बिगर क्या पद पाएंगे। कहीं को रहते हम तो समर्पित हैं, हम तो भगवान के बन गए। बन जाना पर्याप्त नहीं, बनने के बाद क्या क्या करना है, सेवा करनी है। बन गए सेवा कर नहीं रहे, केवल प्रयोग कर रहे हैं। यज्ञ से जो कुछ मिल रहा है तो ऊंच पद नहीं हो सकता। बहुतों को अहंकार रहता है कि हम सरेंडर हैं। अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़े ही झूल सकेगी। वह बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी है, थोड़े में खुश नहीं हो जाना। हम भी राजा बनेंगे ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। बाबा कहते पहली मुख्य बात है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उन्हें बहुत खुशी रहती है। जो अच्छी रीति याद करते हैं वो बहुत खुश रहते हैं। केवल कहने से काम नहीं चलेगा कि हम राजा बनेंगे। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है, मेहनत करनी है। बाबा समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सत्यु में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, यहाँ तो रोने लग जाते हैं। सत्यु की बातें भूल गए, वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल। बहुत खुशी से सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेता है, वहां भी खुशी से आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती है, रोते नहीं है। वहां तो मृत्यु उत्सव है, खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। ये पुराना शरीर छोड़ अब नया लेना है। जानते हो हम आत्मा हैं, पुराना शरीर छोड़ना है। सियाने बच्चे जो बाबा की याद में रहते हैं कहते बाबा की याद में शरीर छोड़ें फिर जाकर बाबा से मिलें। कोई भी मनुष्य मात्र को पता नहीं कि हम कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला, अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। जीते जी मरे हो परंतु जबकि आत्मा पवित्र बने ना, पवित्र बन फिर पुराना शरीर छोड़ के जाना है। पहले पवित्र बनना है फिर ये पुराना शरीर खुशी से छोड़कर जाना है। समझते हैं कहा कर्मातीत अवस्था हो जाए तो शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आप ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाके रहें। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती है ना, तुम्हारी ये नई खाल तैयार हो रही है। परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी बस अब हम जा रहे हैं। बहुत खुशी खुशी बाबा कहते हैं आप अपना पुराना शरीर छोड़ देंगे कि अब हम अपने घर जा रहे हैं। लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाबा को याद करना चाहिए। विश्व के मालिक बनते हो बाबा को कितना याद करना चाहिए। तुम देखेंगे ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाबा को याद करेंगे। उठते बैठते बस बाबा याद रहेगा, मौत सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते हैं अभी भी लड़ाई छिड़नी है, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी
तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ तो कुछ नहीं समझते, जरा भी धारणा नहीं करते। जो बेसमझ बच्चे हैं बाबा कहते, वो अच्छी रीति धारणा नहीं करते हैं, बस ऐसे ही हाँ हाँ करते रहते हैं, समझते कुछ नहीं, याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं, ये दुनिया याद रहती है, वो क्या समझ सकेंगे। जो दुनिया में फंसे रहते हैं, देह में फंसे रहते हैं, बाबा कहते बताओ उन्हें क्या याद रहेगी, वो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाओ, अपने इस देह को भूल जाओ। देह से न्यारी में आत्मा हूं, अपने मस्तक में अपने स्वरूप को देखो, डिटैच हो जाओ। खूब प्रैक्टिस करो। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अब तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे, बाबा साक्षात्कार कराएंगे, तुमने ये पाप किए, अब खाओ सजा। पहले बाबा दिखाएंगे क्या क्या पाप किए, फिर बाबा कहेंगे अब खाओ सजा, पद भी देखो। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी होंगे। बाबा कहते अपनी इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपनी को आत्मा समझ, माम एकम याद करो। खुद को आत्मा समझ, केवल एक बाबा को याद करो। तीनों महामंत्र याद रखेंगे, मन मना भव, मध्याजी भव, माम एकम। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, बाप ही पतित पावन है। कोई कोई बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते हैं। ये मृत्यु लोक है, सब अकाले मरते रहते, जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते, ऐसे मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक हैं, अकाले मृत्यु वहां होती नहीं, दुख ही नहीं, यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं। अकाले मृत्यु आप ही ले आते, ये मंजिल बड़ी ऊंची है। कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं, बहादुरी चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बहुत बहादुरी चाहिए, हिम्मत चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी बात में डर जाते। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए, तो डंडा मार के भगा देना चाहिए, डरपोक थोड़ी बनना चाहिए। कोई गलत दृष्टिवृत्ति से सेंटर पे आए, तो बाबा कहते ऐसे को तो डंडा मार के भगा देना चाहिए, डरना थोड़ी चाहिए। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम बाला है तो ऐसी बहादुरी चाहिए। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तो शक्ति प्रवेश करेगी। याद करेंगे बाबा को तो शक्ति प्रवेश करेगी, याद नहीं करेंगे तो शक्ति नहीं आएगी। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना है। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है, याद की यात्रा से बेड़ा पार। अच्छा याद करेंगे बाबा को, याद की यात्रा से बेड़ा पार। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता, वो है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे, अपने घर मूल वतन में चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पार्ट बजाना है, ड्रामा अविनाशी है, चलता रहता है। बच्चों को समझाते रहते, बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद, जितनी सेवा करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद होगा। कल्याणकारी जरूर बनना है, हम सब बच्चों को कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कुछ पल विचार कर लीजिए, आज बाबा ने मुझे क्या समझाया। 5 सेकेंड साइलेंस में आज बाबा ने सुनाया। याद रहे सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ हैं, इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म विनाश होंगे। सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ हैं, इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे।
शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। हम शिव शक्ति पांडव सेना है तो डरपोक नहीं बनना। जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूं, ये अहंकार ना आए कि मैं सरेंडर हूं। सरेंडर हो पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें फायदा है। खूब सेवा करनी है, सिर्फ एक लेबल नहीं लगा लेना कि मैं समर्पित हूं, लेकिन समर्पित होकर करना क्या है वो कर्तव्य बोध जरूर होना चाहिए, तब ऊंच पद मिलेगा। बहुत सुंदर वरदान है। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सबको शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भगवान हो जाओ, ये गलती नहीं करना। बाबा ने बड़ी अच्छी बात, ऐसा नहीं कि शुभ भावना रखते रखते लोग आपको ही भगवान मानने लग जाएं और जो सही भगवान है उसको भूल जाएं, ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो जाओ। निर्बल आत्माओं को प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बन जाओ। बहुत ध्यान से समझेंगे। बाबा कहते हैं आपको सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है, पूरे विश्व की आत्माओं के लिए। ऐसा नहीं किसी एक में अति विशेष शुभ भावना हो जाए, आप उसमें फंस जाए, वो आप में फंस जाए और वो आपको भगवान मानने लगे और जो भगवान है उसको वो भूल जाए। ऐसे भगवान नहीं बनना, आपने सबका संबंध बाबा से जुड़ाना है और आपकी शुभ भावना बेहद की हो, सर्व के प्रति हो, समस्त विश्व के लिए हो, पूरे भूमंडल के लिए हो, हर आत्मा के लिए कल्याण की भावना हो। स्लोगन है अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। जो अलंकार है इस ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी तो बनो अहंकारी नहीं। जैसे शंख है ज्ञान ध्वनि करने के लिए, कमल पुष्प है डिटैच रहने के लिए, गदा है ज्ञान योग की शक्ति से बुराइयों को भगाने के लिए, चक्र है स्वदर्शन चक्र। ये अलंकारों से सजी हुई अलंकारी मूरत बनो, देह अहंकारी नहीं। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं अलंकारधारी ब्राह्मण हूं। जैसे विष्णु जी के हाथ में अलंकार है, महसूस करें अब ये अलंकार बाबा ने मुझे दिए हैं। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर सुनें।